तुम ऑटो, हम लोग साथ में, हम लोगों ने ऑटो में हाथ पकड़ रखा था, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, अरे दोबारा कब मिलेंगे, ऐसा करके मैसेज आ रखा था। Hey guys, welcome back to another vlog. अभी मैं जिम से आ रहा हूँ और आज पैदल पैदल ही आ रहा हूँ क्योंकि स्कूटी तो मेरे पास थी बट स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही है सुबह से, पता नहीं कहाँ गया है। तो मैंने सोचा स्किप नहीं करता हूँ तो पैदल पैदल ही मैं चले गया था, बट वहाँ मैं किसी को जानता नहीं होता इसलिए वीडियो किसी से बनवाई नहीं मैंने। मेघा अगर मान जाती है उसके बाद फिर जिम चलती है, और रोनी स्मृति भी कहते हैं कि जिम चलेंगे। तो आज का मौसम इतना गंदा हो रहा है ना, मतलब इतना ठंडा हो रहा है, गंदा तो क्या बोलूँ, ठंडा इतना हो रहा है। तो मैं तो सुबह से बाहर ही नहीं गया, बस जिम गया उसके बाद वापस आ गया, और चाबी नहीं मिल रही थी स्कूटी की तो पैदल ही जाना पड़ा क्योंकि चाबी स्कूटी मेरे पास थी। तो बाद में वापस आके पता चला किसके पास है, इन महाराज के पास। कहाँ लेके जा रहे हो चाबी, तुम्हें स्कूटी चलानी है, है रोमियो कहाँ जाना है, यूट्यूब से मिलने। चाबी लेके भागा है, सुबह से भागने में लगा चाबी लेके, क्यों भाग रहा है, कहाँ जाना है तुम्हें, देखना अभी गाइस, ये देखो, ये देखो, इधर दे, इधर दे, दे दे चाबी, दे चाबी, दे ये देखो कैसे खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, क्या करेगा इस चाबी का, क्या करेगा चाबी का, क्या चाबी का क्या करेगा, स्कूटी चलानी है, कहीं जाना है तेरे को, घूमने जाना है, छोड़ो छोड़ो, ये देखो भाग गया, ये भाग गया, ये भाग गया, दे 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 रोमियो इतने छोटे से, इधर आ इधर आ। तो गाइस आज का मेरा जो प्लान है ना, क्योंकि अभी आपको बताइए कल क्या सीन हो गया था, तो मैं और रोनी जाने वाले हैं, लकड़ी लेकर आते हैं, मस्त से आग वाग जलाएंगे, बैठेंगे, मूँगफली भी लेकर आता हूँ, और उसके बाद फिर मेघा को भी लेकर आता हूँ, देखते हैं चीज़ें सॉर्ट आउट होती है नहीं होती है। फिलहाल मैं अपने रोमियो को कपड़े पहना देता हूँ, जैसा मैं कल लेकर आया था आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में, तो उसको कपड़े पहना के आपको दिखाता हूँ, इसको अंदर ही रख जाता हूँ, लकड़ी लेकर आता हूँ, फिर इसको भी लेके जाऊँगा नीचे, ये भी आग के सामने बैठेगा, है ठंडा हो रखा पूरा। हाँ चल अंदर जाता, अब लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर, कल लड़ाई हो गई उसके बाद फिर चली गई, व्लॉग भी एंड नहीं कर पाया मैं, वहीं पर ही ख़त्म कर दिया था व्लॉग। अब जा रहा हूँ लकड़े अकड़े लेके आता हूँ, आग आग लगाते हैं क्योंकि मौसम भी इतना प्यारा हो रहा है आग आग लगाने का, फिर मूँगफली वूँगफली भी लेकर आऊँगा मैं, देखते हैं जो भी होता है सीन, पहले लकड़ियाँ मिल जाए, लगता है बारिश आ गई गाइस यहाँ पे, ये कहीं बर्फ गिरने हल्का हल्का लग रहा है, मसूरी में बर्फ गिर गई तो मसूरी चल दूंगा मैं तो पक्का, क्योंकि बारिश होती है तो फिर मसूरी धनौल्टी साइड बर्फ गिरता है। हाँ क्योंकि कल हम मसूरी में थे तो तब भी फील हो रहा था, देखो अभी बारिश पड़ रही है, बूंदे देखो एक बार जगह जगह तो बूंदे ही पड़ रही है, ना हो यार कल हो जाए, चाहे मतलब रात को हो जाए अगले दिन बर्फ गिर जाए ताकि मैं बर्फ वाला ब्लॉग लेकर आऊँ। ये जलेगी अली है, लगे तो नहीं रही, ग्रीन 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 हो जाए, ये नहीं जलेगी, तो पूरा कोटा हो गया ना, इतनी इकट्ठा हो गई है हैं, इतनी सारी यहाँ हो गई है, बहुत हो गई है, तो इनको जलाते हैं अब थोड़ी देर में। सो गाइस वहाँ पर क्या हुआ ना, हम लोग लकड़ी वकड़ी लेकर आए, उसके बाद बारिश आ गई तो सारा प्लान ही कैंसिल हो गया, अब शायद कल जलाएंगे, अभी बारिश तो रुक गई है, तो मैं और रोनी आ गए ओपन हाउस कैफे में, हमने सोचा मेघा को भी यहीं बुला लेते हैं, तो फिर अभी मेघा को कॉल करते हैं, पहले चाय पी लेते हैं क्योंकि चाय मंगा रखी है, और ठंडी ठंडी इतनी जल्दी ठंडी हो जा रही ना चाय, है ना रोनी, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो रहा है, लिटरली कह रहा हूँ बाहर बारिश हो रही थी अभी तक, लकड़ी भीग गई, 10 डिग्री टेम्परेचर के आसपास चल रहा है, बहुत बारिश हो रही है, शायद मसूरी में एक दो दिन में मेरे को लग रहा है बर्फ़ पड़ जाएगी, वहाँ नहीं पड़ेगी तो ऊपर पहाड़ों में तो पड़ ही जाएगी, तो अभी थोड़ी देर में मेघा को कॉल कर लेते हैं, पहले चाय पी लेते हैं क्योंकि ठंडी हो जाएगी, और बारिश का क्या है ना, बारिश आई तो अब तो रुक गई लेकिन लकड़ियाँ भीग गई। मेघा को कॉल कर ले, आएगी क्या लगता है, एक बार बात तो करना, तेरे बात कहने पे तो आएगी, मेरे कहने पे तो नहीं आएगी क्योंकि कल हो गई लड़ाई तगड़ी वाली, फिकर में डालना। हेलो, हाँ कहाँ हो आप, मैं रूम पे हूँ, कैसे हो, अच्छा हूँ, आप कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ, मैं कह रहा हूँ ओपन हाउस कैफे आओगे क्या थोड़ा अभी, कहाँ, ओपन हाउस कैफे, मुझे पता है तुम्हें क्या काम है, संदीप के साथ हो ना तुम, जो भी हो मतलब अब बात करनी है मुझे कुछ, तो इसलिए मुझे बताओ संदीप के साथ होना तुम, वो तो ठीक है मतलब जो भी हो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मतलब मुझे कुछ पर्सनली मुझे भी बात करनी है कुछ, तो आ सकते हो आप, बार मेरे कहने पे इतना तो कर सकते हो ना मतलब, हाँ वो ठीक है जो भी बताया है, मैं चाहता हूँ आप भी कुछ बताओ, मुझे सुनना है दोनों की सुन के, देखते हैं एक बार, मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता ना फिर, अब कुछ समझते हो मानते हो मुझे तो, मैं इसलिए कह रहा ना एक बार आ जाओ, ठीक है जल्दी से आ जाओ, ओके ठीक है मैं रख रहा हूँ फोन, आ जाओ जल्दी से, चलो आने को तैयार हो गई है।
वो तो मान ही नहीं रही थी। अरे हुआ ही है ना, सीन ये हुआ कि इसने मैसेज देख लिया, वो एक्स भी नहीं थी, वो दोस्त थी नॉर्मल सी। अब कौन समझाए, मतलब ऐसा था कि दोस्त थी, इसको लग रहा है कि एक्स है, ठीक है। अब इसने वो एक होते हैं लड़कियाँ होती है, एक बेस्टी टाइप के करेक्टर होते हैं, नॉर्मली कहते थे कि बेबी सोना, बेबी सोना भी नहीं कहता, ऐसी नॉर्मल सी बात कि मिले थे, ये थे वो थे, मिलने में क्या यार, नॉर्मल सी बात है ना। उसको लग रहा होगा थोड़ा कि क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड है मेरी, एक्स है, लेकिन एक्स नहीं थी। बेस्टी टाइप की जो करेक्टर होती है लड़कियाँ, कुछ होती हैं जो लड़कों के साथ ज्यादा घुली मिली रहती हैं, जो बेस्ट फ्रेंड टाइप की बनाती हैं, टाइप की होती है, थोड़ा मस्ती मजाक करती हैं। हाँ, जो मस्ती मजाक करती हैं और बेबी भी कह देती हैं फ्लो फ्लो में ही, ऐसी मजाक में। कुछ लड़कियाँ होती है ना जो बॉय टाइप की होती है ज्यादा, थोड़ा कूल टाइप में होती है, जो चिल, मतलब बहुत ज्यादा चिल मारती है, बोल देती है, उसी टाइप की हो। मैं तो समझ सुन ही नहीं रही है कि माए मेरी मानेगी नहीं ना सीधे। अभी हेलो, तुम तो दूर ही रहो। क्या हो गया, अब हाथ तो मिला लो कम से कम। अब ऐसा भी क्या गुस्सा है यार? मैं गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं हूँ, मैं बस हर्ट हूँ। तो हाथ तो मिला लो कम से कम, आए हो तो। क्या हुआ बताया नहीं उन्होंने, क्या हुआ? बताया नहीं, बता मुझे, मतलब ऐसा समझ लो मुझे कुछ भी नहीं पता, आप बताओ मुझे, आपकी मुझे सुनना हुआ क्या? पता तो तुम्हें है रोनी, आप बताओ ना, मुझे नहीं पता, ऐसा समझ लो मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी कोई गलती नहीं रोनी, जिस तरह से उन्होंने मुझे खराब बना रखा ना सबके सामने, उतनी वो गलती नहीं है मेरी कोई। हुआ क्या यार, ये अभी भी अपनी एक्स से बातें करते हैं, पता नहीं एक्स से कौन है, कोई लड़की है जिसका मैसेज आ रहा था इनके फ़ोन पे बार बार। लास्ट मंथ की मैसेज है कि बेबी हम लोग ना मंदिर में बहुत अच्छा लगा, हम लोग गए थे, मैं बोल रही थी कि हम लोग मतलब बहुत अच्छा लगा, तुम ऑटो, हम लोग साथ में, हम लोगों ने ऑटो में हाथ पकड़ रखा था, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, अब दोबारा कब मिलेंगे, ऐसा करके मैसेज आ रखा था। नहीं आप बताओ क्या था। रोनी को भी मैं वही समझा रहा था, वो लड़की एक एक होती है नॉर्मल जैसे तुम हो, ठीक है, एक होती है स्मृति जैसी, एक होती है जो बेस्ट टाइप के करेक्टर आते हैं। बेस्ट टाइप के करेक्टर क्या होता है, जब ऐसे ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं लड़कों के साथ, जो ज़्यादा घूमती है ना लड़कियाँ, जो मतलब उसी टाइप की हो जाती है उनकी, मतलब मेंटेलिटी। उस बेस्ट फ्रेंड के बारे में मुझे नहीं बताया। और दूसरी चीज़, तुम बोलोगे कि तुम इतना ज़्यादा क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो, तो मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे प्रपोज़ किया था, तब से तुम बोल रहे हो हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। मैं इतनी जल्दी हाँ कैसे बोल दूँ जब मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती ही नहीं हूँ। पहले मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हें ऐसे करके भी बात करती है। हाँ, कल के दिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते तो मेरे को एक बात बताओ, मैं हर मतलब जो जो मेरे दिमाग में रहेगा, हाँ ये मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलाऊंगा या बात कराऊंगा, लेकिन ये तो ना कि यार एक महीने पहले मैंने किसी से बात की थी, अब दिमाग में रहता ही नहीं चीज़ें, और हमारी ऐसी कोई बातें भी तो नहीं होती। हमेशा बात करते रहते हो, राइट? टेम्परेरी नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ उनका, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि एक बार इनकी भी सुनो, आपने बता दिया, अब इनकी भी पूरी सुन लो कि क्या सीन था, तो ये बताया तो पहले, अब इनको सुनो। अब मेरी बात, अब वो एक महीने पुराना वाला मैसेज उसके बाद आज कर रही है, तो इम्पोर्टेंट तो होगी नहीं ना, और रेगुलर बात भी नहीं होती होगी, ये भी तो सोचो, और जिनसे रेगुलर बात, पहले मेरी तो सुन लो कम से कम। रेगुलर तो तुम व्हाट्सएप पे बात करते होगी, कॉल पे, मेरे से तो तुम्हारी कॉल पे कभी बात नहीं होती रात को, यहाँ तुम वीडियोस में बोलते हो, बाय फेस बोलते हो, हाँ कर दो हाँ कर दो, बट पर्सनली जो हाँ करने वाले एफर्ट्स होते हैं तुम कभी तो पर्सनली करते हो नहीं, कोई कॉल नहीं आता, कुछ नहीं आता, ऐसे किसे हवा में किसी को हाँ बोल दूँ मैं? हाँ मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, मैं तुम्हें डिजर्व भी नहीं करती, सबका यही कहना है मैं बहुत बुरी हूँ, ठीक है मैं डिजर्व ना ही करना सही, बट हर लड़की चाहती है कि उसको जो जिसको वो पसंद करती है या फिर जो उसको पसंद करता है वो उसको टाइम दे, अटेंशन दे, तभी तो जाके वो उसके साथ अटैच होगी या फिर उससे बात करेगी, उसे जो भी है। मैं तो बताऊँ मैं कॉल क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि पहले हम लोग दिन भर साथ में होते हैं, उसके बाद मैं घर जाता हूँ, फिर पहले मेरे को खाने का देखना पड़ता है, रोमियो का देखना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, तो थक जाता हूँ ना, नींद आ जाती है। जब हम कभी साथ नहीं होंगे, जब हम दूर रहेंगे, तो तभी तो आप मुझसे, फिर तो आप बोलोगे मैं तो काम करते रहता हूँ, मैं तो बातें नहीं करता, अभी तो चलो आस पास ही रहते हैं। आगे से वो ध्यान रखेंगे, जो भी चीज़ें होंगी पहले से आपको बता देंगे, ठीक है, और ऐसे फिर बुरा मान के बैठने से ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना, तो आप एक बार चीज़ें शॉर्ट मतलब शॉर्ट आउट करने की भी तो कोशिश करो, एक बार बात करो एक दूसरे से, समझ तो सही, समझ एक बार बात करो एक दूसरे से, एक बार बात करके देखो क्या पता, मतलब इतना तो ट्रस्ट रखो ना एक दूसरे पे। और एक बात बताता हूँ, अगर इंसान कभी कोई गलत भी कर रहा है ना, तो वो चीज़ें एक बार वो छुपा सकता है, दो बार छुपा सकता है, बार बार नहीं छुपा सकता, सच्चाई तो सामने आती है, सच्चाई कभी ना कभी सामने आती है। मैं मैसेज डिलीट कर रखे रहता, हिस्ट्री क्लियर कर रहता, मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पुराना एक साल का पुराना व्हाट्सएप मैसेज भी पड़ा होगा। लाओ हाथ तो मिलाओ, अच्छे से मिलाओ ना, अब फाइनल करते हैं बात। मैंने बोला ना नहीं। क्या हो गया अब दे, अब हंस हंस लाया बराबर कर देता हूँ, हंस हंस फिर
जल्दी हंस। हाँ ठीक है बाय। यहाँ बुलाया? हाँ चलो भाई अब चलो यहाँ से। अब तो मान गए, अब तो ना कि वो करते रहूँगा। हाँ तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं खाया? पूछा एक बार भी? पूछा? पकड़ो इसको। गर्लफ्रेंड होते तो पूछता बेबी कुछ खाया खाना था बेबी? दोस्त से भी पूछते है ना? दोस्तों कौन पूछता है? मैं रोनी से पूछूंगा। रोनी यार तूने सुबह से कुछ खाया नहीं खाया? चलो मुझे कुछ खाया क्या? मुझे कुछ बुरा नहीं लगा यार। दोस्तों से पूछते कहा है, ऑर्डर देते हैं। आप सीधा ऑर्डर दो ना कि ये सुन मैं ऐसे आया, मैंने कुछ खाया नहीं, चल मुझे ये खिला। मेरे को बोलने दो। अगर मैं आपको हर्ट आप सॉरी अगर आपने मुझे हर्ट किया, मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि मैं हर्ट हूँ, तो इसका मतलब भी तो पूछ सकते हैं मैंने सुबह से कुछ ना खाया हो। अब मुझे क्या बता, अब मैं रोनी मुझसे वो है नाराज है, मैं ये तो ना पूछूंगा। रोनी मनाऊंगा या कहूंगा रोनी तूने कुछ खाया नहीं खाया? दोस्तों में तो ये होता है। हां ऑर्डर मैं तो ऑर्डर देके खाता हूं, सीधे बोलता हूं मेरे को ये खिलाओ। पर मैं कभी ऑर्डर नहीं दे सकती। क्यों? हां दोस्त क्या बोलते, दोस्त ऐसे कहते छीन छपाटे करके खाने वाले। क्या खाओगे बताओ? मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझसे अच्छे से बात कर लिया करो और किसी और से बात मत किया। क्या खाओगे? क्या खाओगे बताओ? कुछ तो ले लो, चॉकलेट। मैं जा रही हूं अपने रूम पे। रूम पे तो जा रहे हो, कुछ ले जाओ ना। अभी खिला रहा हूँ, फिर मत कहना नहीं खिला रहा हूँ। हाँ जेम्स से ले ले, अभी 10 का ही आता है। हैं सिगरेट? छी अपने दिमाग खराब है। सिगरेट छुटाने वाला क्या लोगे फिर, जल्दी बताओ बताओ। हाँ शु क्या हुआ? चलो ठीक है चॉकलेट डन हो गए।